Welcome friends, this is part 5 of a series of 5 videos, and in this we'll discuss the topic of accounting. So accounting is part of the syllabus which has been prescribed by UPSC for the exams of ESICDD and Senior Admin Officer for DRDO and Admin Officer for GSI. So as you can see, part 3, Principle of Accounting and Financial Management, we'll discuss that what we should be studying under the topic of Principles of Accounting. So guys, Principle of Accounting topic pehle bhi UPSC ke kuch exams mein aaya, jaise EPFO mein aaya, and I'll tell you interesting observation before I start. Ki dekhiye, jo 2017 mein jo EPFO ka paper hua tha, 2017 mein, to jab humne uske paper ka analysis kiya ki uske sawal kahan se aaye hain, जो ब्रांच अकाउंटिंग वगैरह के एक दो सवाल आए थे, 15 सवाल थे 2017 में. तो हमने 2020 में कोरोना के दिनों में हमने ईपीएफओ का कोर्स किया काफी अच्छे से, और उसमें हमने पूरा लोगों को अकाउंटिंग खूब दबा के हमने पढ़ा लिया. ठीक है, और हुआ क्या कि फिर पेपर आया. पेपर कब हुआ? सितंबर 2020 में पेपर हुआ फिर, और उस पेपर में जितने भी सवाल अकाउंटिंग के आए उनका डिफिकल्टी लेवल बस 11th 12th का था. कोई मुश्किल सवाल नहीं, 11th 12th. सीए एडवांस छोड़ो, सीए का जो बेसिक या इंटरमीडिएट लेवल है उस लेवल के भी सवाल नहीं थे, बल्कि सिर्फ 11th 12th के लेवल के ही अकाउंटिंग के सवाल थे. लेकिन हमने तो बच्चों को काफी सारा पढ़ा दिया था. एनीवे, बट हार्ड वर्क नेवर किल्स. लेकिन पॉइंट इज कि जो डिफिकल्टी लेवल फॉर अ गिवन टॉपिक, डिफिकल्टी लेवल फॉर अ गिवन टॉपिक, और ये जो सवाल होते हैं खासकर जो मैनेजमेंट के टॉपिक है, उनको गेस कर पाना संभव नहीं है. सो जो तुम लोगों के लिए हमने जो कोर्स बनाया है उसका हमने थोड़ा बीच में रखा है, क्योंकि 11th 12th का भी नहीं रखा है और जो सीए का एडवांस लेवल का भी नहीं रखा है. तो कुछ टॉपिक हमने थोड़ा डिफिकल्टी थोड़ा मर्ज किया. फिर हमने व्हेन वी लॉन्च दिस कोर्स इन सितंबर 2021 फॉर ईएसआईसी और बाकी दोनों एग्जाम भी मर्ज हो गया. सो देन वी डिसाइडेड कि थोड़ा बीच में रख लेते हैं. 11th 12th भी रखते हैं, उतना हार्ड भी रखते हैं कि बच्चों को पढ़ने में ज्यादा टाइम लग जाए. सो विद दैट नोट हमने ये पूरा विद दैट थिंकिंग हमने पूरा आपके लिए कोर्स क्रिएट किया था. एंड लेगेसी की बात, इस डिफिकल्टी लेवल के सवाल आपके 17 जुलाई को जब पेपर होगा. सो अभी हम क्या करने वाले हैं, ऑल्दो ऑलरेडी वी हैव गिवन यू क्वाइट कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट जिसमें से आपको पढ़ना है और फिर ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे सवाल भी करने हैं. अभी हम क्या करने वाले हैं कि अगर लास्ट का सिर्फ एक महीना ही बचा है तो क्या चीजें हैं जो हमें डेफिनेटली कर लेनी चाहिए. ऑफकोर्स अगर मैं कुछ चीजें एक्सक्लूड करूंगा तो दैट कम्स विद रिस्क, शायद उसमें सवाल भी आ सकता है. सो आइडियल बेटर शेड्यूल समझा जाए कि तुम लोग ऐसे सिचुएशन पे नहीं आओ कि लास्ट एक महीने में सारा पढ़ाई करो. यू शुड स्टडी व्हेन यू हैव टाइम, वेल इन टाइम. फॉर्म तो काफी पहले निकल गया था. बाय द वे, फॉर एडमिन ऑफिसर गाइस, इट्स रियली अनलकी सिचुएशन की यूपीएससी ने एकदम सिलेबस बदल दिया है देन what used to happen in admin officer. Lekin ESICDD wale logo ko to kafi time se pata hai, we should be studying well. Nevertheless, ab sawal ye ki ab kya kar sakte hain, jo ho gaya ki agle 30 din mein hum log kya kar sakte hain. So with that note, I will discuss topic of accounting. And so what I'll do, I'll open the booklet of principles of accounting. So humne sabhi bachchon ko diya hai, this is the booklet. So isme se main kuch topic explore karne ki koshish karunga ताकि तुम्हारा बर्डन थोड़ा कम हो जाए. ऑफ कोर्स बेटर सिचुएशन क्या है कि तुम सभी कुछ पढ़ लो. 150 पेज का पतला बुकलेट ऐसा भी नहीं है कि इसमें ज्यादा लोगों का जान निकल जाएगा. लेकिन ठीक है, ट्राई टू रिड्यूस एज मच एज आई कैन कंसीडरिंग कि हमारे पास टाइम कम बचा. तो विद दैट नोट शुरू करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट. अच्छा, जो लोग हमारे साथ एनरोल्ड नहीं है, मे बी दे कैन मेक सम नोट्स, और जिन जिन टॉपिक का मैं नाम लेता हूँ तो उनके यू कैन सर्च फ्रॉम इंटरनेट या कोई दूसरी बुक से तुम पढ़ सकते हो. जो एनरोल्ड है वो अपना किताब लेके बैठ जाए और एक एक करके मार्क करते जाए कि जो पढ़ना है या नहीं पढ़ना है. चैप्टर 1 इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, सो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग. फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारा तुम्हें पढ़ना है. छोटा चैप्टर है कि अकाउंटिंग होता क्या है, बिल्कुल पढ़ना है.
फिर आते हैं बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, 13 अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं, 13 के 13 अच्छे से करने हैं, नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, इसे तो सवाल आएगा ही आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। फिर है अपने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस, एक्यूरल, हाइब्रिड, ये भी करना है, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री, सिंगल एंट्री करना है, और फिर खूब सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम लोगों ने एक जगह हम लोगों को समझाया है, लायबिलिटी, एसेट, सेल्स क्या, रेवेन्यू क्या होता है, लायबिलिटी इनकम में क्या फर्क है, और एक एक करके ये सारा भी तुम्हें अच्छे से करना है, इन्हें समझ में आएगा कि अकाउंटिंग है क्या, खूब सारी टर्म्स हैं, चैप्टर टू ये सब करना है। देन वी कम टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, इंपर्सनल अकाउंट, ये भी करना है, फिर कंटिजेंट एसेट एंड लायबिलिटी, ये भी देखना है, छोटा सा ही है वैसे भी, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अगेन एक साथ कॉमन सेंस कुछ इसमें है नहीं, अलग की कैसा बनना चाहिए, चाहो तो छोड़ सकते अकाउंटिंग पॉलिसी, पढ़ ही लेना। तो चैप्टर वन और चैप्टर टू में से अब तक मैंने कुछ भी छोड़ने को नहीं बोला है। लेट्स कम टू नाउ चैप्टर थ्री, अकाउंटिंग प्रोसेस विच कम्पोज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, देन हाउ डू वी जनरलाइज, कैसे हम जनरल एंट्रीज करते हैं, मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, और बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेड अकाउंट, बैलेंस शीट कैसे बनता है, ये सब करना ही करना है, कोई इसको इसमें कुछ भी हटाया नहीं जा सकता। तो चैप्टर थ्री पूरा का पूरा करना है। चैप्टर फोर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, गाइस बिल्कुल 100% करना है, नहीं रोक सकते इसको, इस हिस्से हम इनफैक्ट ये याद भी करना है कि ये AS1 क्या है, AS13 क्या है, इसका सवाल आता है, IFRS क्या है, ये सब, और बाद में जो नए स्टैंडर्ड्स आए हैं वो भी, तो गाइज ये सब अच्छे से करना है, कन्वर्जेंस विद अकाउंटिंग। उसके बाद INDAS आ गया, कुछ चले भी गए, कुछ हट गए, कुछ डिसकंटिन्यूड हो गए स्टैंडर्ड्स, ये सब चीजें भी अच्छे से करना है। तो चैप्टर फोर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ हटाया नहीं जा सकता। सो गाइज अब तक मैंने क्या बताया कि चैप्टर वन से चैप्टर फोर तक कुछ भी नहीं हटा सकते, दोनों करना ही करना है। Let's come to chapter 8 now, which is final account for sole proprietors. इसको छोड़ सकते हो, you can skip this. So chapter 8 you can skip. So अभी तक मैंने क्या बताया? सभी करना है. Chapter 5 और chapter 8 को skip कर सकते हो. Let us come to chapter 9, which is partnership account. इसके भी सवाल आए हैं पिछली बार में, 2021 में भी आए हैं. Partnership account guys करना है. Yes, पूरा का पूरा partnership account करना है. Chapter 10, profit and loss prior to incorporation छोड़ सकते हो. चैप्टर 10 यू कैन स्किप। चैप्टर 11 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये भी हमें करना ही पड़ेगा, चैप्टर 11 पूरा पूरा करना पड़ेगा। फिर चैप्टर 12 बोनस एंड राइट्स इश्यूज एंड रिडेम्पशन, सो अगेन यू कैन स्किप इट, अगर तुम चाहो चैप्टर 12 को छोड़ सकते हो। सो गाइस मैंने तुम्हें क्या बताया कि पूरी बुक में से हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते एक्सेप्ट चैप्टर 5, चैप्टर 8, चैप्टर 10 और चैप्टर 12, ये चार चैप्टर है जो तुम छोड़ सकते हो, बाकी कर नहीं सकते। चैप्टर 11 मर्जर एंड एक्विजिशन वगैरह काफी अच्छे से पढ़ लेना, मर्जर एंड एक्विजिशन, टेक ओवर, एमलगेशन, होल्डिंग कंपनी, एनीवे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी होता है ये, तो ये तो अच्छे से तुम कर ही लेना जो चैप्टर 11 के अंदर एनीवे ये आएगा अंडर द टॉपिक ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। सो गाइस दैट्स ऑल, एंड अगेन आई एम कंक्लूडिंग फिफ्थ वीडियो ऑफ फाइव वीडियो सीरीज। अगेन द बेटर सिचुएशन इज कि तुम सब अच्छे से करो, फिर भी टाइम कम है तो जो मैंने बताया जरूर कर लेना। ऑल द बेस्ट, डू वेल, अब जितने भी दिन बचे उसमें अच्छे से मेहनत करो, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।